सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके साथ फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशंस को जो है ले चुके होंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो बातें हम कर रहे थे उन्हीं को रखेंगे कंटिन्यू, ठीक है। और आगे की बातों को समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान जो है अपनी अपने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है प्रीवियस क्लासेस की तरह, तो अपना ध्यान जो है पूरी तरीके से क्लास पर लगाएं, क्लास पर फोकस रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे थे वर्ष 2020 के विज्ञान के एक प्रश्न पत्र है बोर्ड का, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि बोर्ड परीक्षा में जो है किस प्रकार से प्रश्न पत्र आते हैं, कैसे हमको उनका सॉल्यूशंस करने होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आंसर लिखने होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के सामने क्या क्या चीजें जो है जरूरी रखनी है, बेसिकली ध्यान में रखनी है एग्जाम पेपर के टाइम एग्जाम करते हुए, वो हम समझ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं वर्ष 2020 के विज्ञान के प्रश्न पत्र के बारे में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हम और देखेंगे अभी, और इनको सीखते हैं, समझते हैं। तो चलिए, आई होप आप सब रेडी होंगे। ये आंसर की है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन शीट देख लेते हैं। तो दोबारा से निर्देश पढ़ने की आवश्यकता मेरे ख्याल से है नहीं, क्योंकि मैं आपको निर्देश जो है समझा चुका हूँ। फिर भी एक बार जो है आज की क्लास में स्टार्ट करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो हमारे पास है सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस में हमको जो बात कही गई है वो कुछ इस प्रकार से है कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि ये 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, और इसमें 80 नंबर का ये पेपर रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि कुल 30 प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे, कोई भी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते। अगर एक भी प्रश्न आपने छोड़ा तो उसके नंबर कटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसके सामने हमको लिखा हुआ मिलेगा। और कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, कुछ 1 अंक के प्रश्न रहेंगे, कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और कुछ 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड रहने वाले हैं। चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं, आज मैं जो कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर, सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, है ना, बात आपको समझ में ध्यान होगी, सिर्फ अभी फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन आज का जो सबसे पहला हमको दिख रहा है एक न्यूमेरिकल है, एक 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 नंबर का ही क्वेश्चन आर्क है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कितने नंबर का क्वेश्चन आर्क है एग्जाम में, 3 मार्क्स का, तो इसे आप सही कर देंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन को अगर रीड करें, 400 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर यानी कि एक फ्रिज है, और जो कितना चलाया जाता है, जो चलाया जाता है 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, और 30 दिन तक इसको चलाना है हमें, ठीक है। 30 दिन तक चलाने के लिए हमको क्या करना है, जब आप रेफ्रिजरेटर को चलाएंगे तो आपकी बिजली खपत करेगा, है ना, आपकी जो बिजली होगी इसमें यूज होगी, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिजली का बिल भरना पड़ेगा। तो बेसिकली हमको क्या बात करी गई है कि कितना बिल जो है हमको देना पड़ेगा 1 महीने अगर इस फ्रिज को चलाना है। अगर हम 1 दिन में 8 घंटे इस फ्रिज को चलाते हैं तो 30 दिन तक, 1 महीने तक इस फ्रिज को चलाने के लिए हमको कितने रुपए का बिल भरना पड़ेगा, जो यूनिट है 1 यूनिट का 3 रुपए है प्रति किलो वाट आवर, प्रति किलो वाट आवर को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट अगर ये बिजली यूज करेगा तो उसका हमको 3 रुपए देना पड़ेगा। तो आप ये बताओ 30 दिन तक इसके लिए कितना रुपए आपको देना पड़ेगा, कितने बिजली का बिल आपको भरना पड़ेगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले किलोवाट आवर, इसे क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है इसको हम 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, इसको हम किस यूनिट से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, 1 यूनिट के नाम से, ठीक है। तो बिजली के बिल की, जब हमारे बिजली के बिल आता है, आप अपना बिजली का बिल चेक करना, उसमें आपको देखने को मिलेगा यूनिट्स लिखी हुई होंगी, कितने यूनिट्स बिल आया है, और 1 यूनिट का हिसाब लिखा रहेगा और उसको मल्टीप्लाई किया रहेगा जितने भी यूनिट्स आपकी बनी होंगी, है ना। तो बेसिकली 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब कि 1 घंटे में कितने किलोवाट बिजली जो है वो यूज करेगी, कितनी आपका जो मशीन है उसने कितनी शक्ति जो है वो जनरेट करी, कितनी पावर उसकी है,
बेसिकली हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारे जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे मैकेनिक इलेक्ट्रिकल, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारी चीजें, इन सब के क्या होते हैं, इन सब के बाहर कुछ ना कुछ इनके फिक्स वैल्यू लिखी होती है। जैसे वाट में देखेंगे आप, जैसे बल्ब लाते हैं तो कितने वाट का बल्ब, 9 वाट का बल्ब लाते हैं, 7 वाट का बल्ब लाते हैं, 60 वाट का लाते हैं, 100 वाट का लाते हैं, तो उसमें वाट से क्या मतलब है, वाट से मतलब है उसकी शक्ति से। वाट से क्या मतलब है भाई, वाट से मतलब है उसकी पावर से। तो अगर आपसे बोला जाए वाट, आप जो शब्द यूज करते हैं वाट, वाट का मतलब है शक्ति से, तो वाट क्या है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, पावर का ऐसा ही मात्रक है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट, ठीक है। और किलोवाट जो है उसका बड़ा मात्रक है, 1 किलोवाट में जो है, 1 किलोवाट में हमको देखने को मिलते हैं, 1 किलो KW मतलब किलोवाट, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ठीक है। तो शक्ति का जो मात्रक है ऐसा ही मात्रक वो है वाट, और उसका जो बड़ा मात्रक है वो है किलोवाट। तो जब हम किसी मशीन को यूज करते हैं और ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं, जो उसकी शक्ति होती है वो किलोवाट में व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो वाट छोटा मात्रक है, ठीक उसी प्रकार से है ये बात कि जैसे आप लोग, अगर मैं आपको बोलूं आपके जो, आपका जो सपोज हम ये बात करते हैं आपके जो कपड़ा है, कपड़े की लंबाई कितनी है, या फिर आपको अगर पैंट बनानी होगी तो उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा, तो आप 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर ऐसे बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके घर से दिल्ली के बीच की या फिर शहर के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो आप बोलेंगे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, है ना, 400 किलोमीटर। तो ये जो मात्रक है हम लोग कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर किलोमीटर यूज करा, यहाँ पर मीटर यूज करा, जबकि दोनों जगह हम क्या नाप रहे हैं, दोनों जगह हम लंबाई को नाप रहे हैं, दूरी को नाप रहे हैं। तो डिपेंड करता है, अगर छोटी दूरी रहेगी तो उसको हम छोटे मात्रक में व्यक्त करेंगे, बड़ी दूरी रहेगी तो उसके लिए बड़े मात्रक हम लोग यूज करेंगे। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। तो वाट हम कहां पर रखेंगे, जहां पर छोटे शक्ति यूज हो रही होगी, और किलोवाट कहां पर रखेंगे, जब ज्यादा शक्ति हो जाएगी, जब ज्यादा हम लोग यूज कर लेंगे। 1 किलोवाट आवर की बात करूं, अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर रहे, क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग सारी बातें करते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है, तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितने वाट हो गए भाई, 1 किलोवाट में 1000 वाट हो गए, 1000 वाट। और आवर की बात करें तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं भाई, 3600 सेकंड होते हैं। तो यहां से मुझे देखने को मिल गया 36, 1, 2, 3, 4, 5 इतने वाट सेकंड, 1 किलोवाट आवर में इतने वाट सेकंड। और वाट सेकंड को ही तो जूल कहते हैं, वाट गुणा सेकंड को ही तो हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं भाई। तो इतने जूल ऊर्जा, यानी कि अगर मैं से पॉइंट लगा करके और इसके जीरोस को जो है ऐसे लिखो 10 की घात में, तो पॉइंट मैंने यहाँ लगाया है 3 और 6 के बीच में, तो इसके बाद कितनी संख्या आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं आ रही है, मतलब 10 की घात 6 जूल, 3.6 × 10^6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10^6 जूल ऊर्जा होती है। आ गई बात समझ में, क्या ये पॉइंट आपकी समझ में आया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी इससे बन सकते हैं, अभी जो क्वेश्चन हमारे पास मिला है पहले फिलहाल उसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, 800 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर कितना चलाया जाता है, 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 30 दिन तक इसको चलाना है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 400 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, ₹3 प्रति यूनिट की दर से हमको इसको चलाना है। तो बेसिकली हमको ये बोला गया है कि आपको कितने पैसे इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक, यस सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22। अगर हम बात करें, हमें जो जो चीजें दी हुई हैं वो है समय एक दिन के हिसाब से, ठीक है, 8 घंटे। समय को हम किससे निर्धारित करते भाई, टी से, ठीक है। समय टी बराबर 8 घंटे। शक्ति दे रखी है हमको इसकी, कितना पावर दे रखा है, 400 वाट। मैंने क्या बताया था, वाट किसका मात्रक होता है भाई, शक्ति का, पावर का। तो 400 वाट इसकी शक्ति दे रखी है हमको, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है
कि कितना रुपए का बिल आएगा। अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमसे यूनिट की बात करी हुई तो किलोवाट आवर होती है उसकी यूनिट, है ना, तो 400/1000 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, तो ये आएगा 0.4 किलोवाट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको फॉर्मूला लगाना है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, सूत्र पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी से, W बराबर क्या हो जाएगा भाई, कितना कार्य करेगा, P गुना T, तो W बराबर P कितना है 0.4 और T कितना है 8, तो 8 चौक 32 मतलब 3.2 जूल किलो वॉट आवर। ठीक है, फॉर वन डे एक दिन के लिए है, एक दिन के लिए इतनी ऊर्जा जो है उपभुक्त होगी। अगर हम बात करें इसको हम गुणा कर देते हैं किससे, 30 से, तो ये आ जाएगा 96.0 किलोवाट आवर, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए कितनी यूनिट बिजली यूज करेगा भाई, 96 यूनिट बिजली यूज करेगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट दिया है, 1 किलोवाट आवर है ना, ये दिया है 3 रुपए प्रति किलोवाट आवर, तो दिया है 1 किलोवाट आवर के लिए हमको कितने रुपए देने भाई, 3 रुपए देने हैं, तो हमारा कितने किलोवाट आवर बिजली यूज हो रही है, कितने किलोवाट आवर जो ऊर्जा है वो है 96 किलोवाट आवर, तो उसके लिए क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो बिल आएगा 288 का हमको मूल्य जो है वो चुकाना पड़ेगा इस फ्रिज के लिए। तो एक महीने में आपका 288 का जो बिल है वो सिर्फ इस फ्रिज की वजह से आएगा, वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, इस फ्रिज की वजह से। तो इस तरीके से आप जो है अपने घर में जो भी उपकरण आपके यूज होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, उनकी शक्ति देखें, उनकी शक्ति कहाँ लिखी होगी, उनके ऊपर लिखी होगी या फिर उस बॉक्स पे लिखी होगी जिस बॉक्स पे आपने उसको खरीदा है। ठीक है, तो वो शक्ति नोट डाउन कर ले, वो पी होगा आपके पास, इनटू कर ले उसे कितने टाइम तक आप उसको यूज करते हैं। जैसे सपोज एक बल्ब है वो 10 वॉट का बल्ब है, तो आप क्या करो 10, और वो 10 वॉट का बल्ब जो है शाम को आप 4 घंटे चलाते हैं 6 बजे से 10 बजे तक, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 चौको कितना हो गया, 10 तो वॉट हुआ है ना, और इसको 1000 से भाग कर दो तो किलो वॉट हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.001, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 घंटे मतलब 4 से, तो 0.004 यूनिट। एक दिन में अगर आप उस बल्ब को सिर्फ 4 घंटे जलाते हैं तो एक दिन में उस बल्ब की वजह से सिर्फ 0.004 यूनिट बिल आता है आपका। मतलब अगर एक बिल आपका, एक यूनिट आपकी 5 रुपए की है, तो एक दिन में आपको उस बल्ब के लिए 0.02 रुपए देने पड़ते हैं, मतलब कि 2 पैसे, समझ रहे हो। इस तरीके से आप जो है आपके घर में जो उपकरण है उनके लिए आपको कितना बिल चुकाना पड़ता है ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ा एग्जांपल है कि जैसे सपोज आपके पास कोई मिक्सर है ना, जूसर मिक्सर है, अब वो मिक्सर जो है 1500 वॉट का है, कितने 1500 वॉट का है, अब मैं इसे किलो वॉट में देखूँ तो कितना हो जाएगा, 1.5 किलो वॉट का हो जाएगा। आपने इसे थोड़ा सुबह चलाया थोड़ा शाम चलाया, कुल मिलाकर के आपने इसको 10 मिनट चलाया पूरे दिन भर में, कितना चलाया 10 मिनट, और डेली आप जो है मिक्सर का यूज करते ही करते हो, क्या है ये मिक्सर ग्राइंडर जिसमें जो है पीसते हैं। ठीक है, अब क्या करा आपने, इसको घंटे में चेंज कर दो, कितने घंटे हो गए, तो यहां से आगे 1 घंटे 1/6 घंटे, तो कुल ऊर्जा निकाल लो 1.5 × 1.6, तो यहां से पॉइंट हटाइए 10 6, मतलब 0.25 किलोवाट आवर, ये एक दिन का है। ठीक है, तो एक दिन के लिए कितना रुपए का इसका बिल आता होगा, अगर 5 रुपए का बिल है तो 0.25 × 25, तो 25 × 125, 1.25, तो एक दिन में आपका इस मिक्सर की वजह से 1.25 रुपए का बिल आता है, समझ रहे हैं बात को। मेनली जो घर में बिल आता है वो उन उपकरणों की वजह से आता है जो कि कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी,
पंखा, लाइट, ठीक है। तो आप अपना जो है एस्टिमेट बिल निकाल सकते हैं, और आपको अगर लगता है आपका बिल ज्यादा आ रहा है तो आप देख सकते हैं कौन सी चीज आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, कौन सी चीज आप कम यूज कर रहे हैं, उसका बिल आप उस हिसाब से जो है कटौती कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रोसीजर होता है, ये एक तरीका होता है बिल को निकालने का। क्या समझ में आया? तो उसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो है हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, 288 रुपीज का आंसर आया है, 288। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे देखिए, मैं मॉडल आंसर शीट भी लेके आया हूँ, ठीक है। ये मॉडल आंसर शीट है, आपको हूबहू ऐसा ही आंसर नहीं लिखना, बस ये आपको समझाने के लिए लाया गया है। देखो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर देखिए। सबसे पहले वो डेटा लिखा गया है जो जो हमको दे रखा है। तो टी बराबर 8 घंटे दे रखा, तो समय 8 घंटे, ठीक है। कितनी शक्ति? 400 वाट। इसको किलो वाट में कन्वर्ट करा 1000 से भाग करके, ठीक है, तो 0.4 किलो वाट आया। सूत्र कौन सा लगाया? पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। यह है शक्ति का सूत्र, ठीक है। यहाँ से आपने डब्ल्यू की वैल्यू निकाली, ठीक है, और डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करा, आपने आपको एक दिन की दर जो है वो मिल गई। उसके बाद एक दिन का मूल्य निकाल सकते हैं आप, एक दिन के 3 रुपए, एक दिन के लिए 3 रुपए पड़ते हैं, एक किलो वॉट आवर के लिए 3 रुपए पड़ते हैं, तो 3.2 के लिए कितना, 3 से गुणा कर देंगे। तो एक दिन आपको, एक दिन का जो आपका बिल आता है 9.6 रुपए 60 पैसे है, 9.60 पैसे है ना। तो 30 दिनों के लिए कितना देना पड़ेगा आपको, 288 रुपए देना पड़ेगा। बेसिकली बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को भी करेंगे। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है अच्छे तरीके से। अच्छा, नीचे देखिए, नीचे जो आंसर लिखा गया है वो हाईलाइटेड करा हुआ है। रेफ्रिजरेटर को 30 दिन चलाने का मूल्य 288 रुपए होगा आंसर। इन छोटी छोटी चीजों को समझो, इसीलिए आपको ये नोटबुक यहाँ पर दिखाने का और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। ये चीजें आपको समझाने का मकसद है कि ये भी किसी बच्चे की बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है। तो उसने कितने अच्छे तरीके से अपना आंसर रिप्रेजेंट करा हुआ है, आप भी जो है अपना आंसर जो है अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें। चलिए, एक वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में रखी है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, और यकीन मानिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आपने चैप्टर ढंग से समझा है। एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस एफ। शो द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर बाई रे डायग्राम। इसका ही एक और ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, इसका इसके विकल्प में आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। इंद्रधनुष के बनने की घटना को समझे, है ना। दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान। फिलहाल हम लोग 23 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन हम लोग फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो क्या दे रखा है, सी और एफ के बीच में रखिए। पहले अवतल दर्पण द्वारा देखते हैं, फिर उत्तल दर्पण द्वारा देखते हैं। चलिए, इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। डायग्राम ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट सूचना कि डायग्राम आप सिर्फ और सिर्फ किससे बनाएं, सिर्फ और सिर्फ स्केल और पेंसिल रबर से बनाएं, ठीक है। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाएं, प्रॉपर नाप के बनाएं, आपका डायग्राम जो है बिल्कुल सही बनेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि हम अवतल दर्पण को ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए कॉनकेव मिरर बना लेंगे जल्दी से। कॉनकेव मिरर कैसा होता है भाई? ऐसा होता है ना, उसके पीछे की तरफ पॉलिश रहती है, ठीक है। ये हो गई पॉलिश। अब इसमें हमारे पास एक मुख्य अक्ष रहता है, तो मुख्य अक्ष को ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। आप जानते हैं यहाँ पर जो पॉइंट होता है, यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये कहलाता है ध्रुव पी। और इसका अगर मुझे फोकस देखना हो एग्जैक्ट एक्यूरेट, तो मैं क्या करूँगा, वो सर्कल ढूंढूंगा जिसका ये पार्ट है, ठीक है, जिसका दर्पण पार्ट है। और इस सर्कल का सेंटर क्या यही होगा? आई होप यही होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, अवतल दर्पण का। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें बात करी हुई हमने। आपको अगर दर्पण का वक्रता केंद्र बनाना है तो दर्पण को उस गोले का हिस्सा बनाओ, पहले वो गोला बनाओ जिसका ये हिस्सा है, और उसका जो केंद्र होगा वो दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। अब यहाँ से जो ठीक आधी डिस्टेंस जो होगी, वहां पर होगा इसका फोकस,
सपोज ये आधे डिस्टेंस है, मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं है, लेकिन आपके पास स्केल होगा, स्केल से बिल्कुल प्रॉपर मेजर करके इसको बनाना, ठीक है। सपोज यहाँ पर आता है कहीं, सपोज ये यहाँ पर आता है कहीं, ठीक है। चलिए अब क्या बोला गया है हमसे क्वेश्चन में, जो बोला गया है बात वो ये बोला गया है कि वस्तु कहाँ रखी है, सी व एफ के बीच रखी है। तो चलिए वस्तु को रखते हैं सी और एफ के बीच, यहाँ पर रखते हैं वस्तु, ठीक है। ये रहा, थोड़ा सा इसको साइज इसका बढ़ा देते हैं। तो वस्तु को यहाँ पर रखा है, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास क्या शर्तें होती है, हम क्या करते हैं भाई, हमको चाहिए होता है दो दो किरणें जो कि क्या कर रही हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो, है ना। दो कौन सी, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए होती है हमको। तो चलिए ढूंढते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां से एक किरण जाएगी इस प्रकार से, पहली ये होगी आपतित किरण, ठीक है। पहली आपतित किरण कुछ इस प्रकार से हुई, और आप जानते हैं जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो क्या होती है, वो उसी रास्ते वापस आ जाती है, उसी रास्ते क्या होती है, उसी रास्ते वापस आ जाती है ना। तो इसी रास्ते जो है इसकी परावर्तित किरण मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, आप जो है इसके रास्ते को फॉलो करना, देखना ये रिफ्लेक्टेड रे है, देखो इसी रास्ते जो है रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, ठीक है, समझ में आया। जिस रास्ते ये आई थी उसी रास्ते परावर्तित होकर चले, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट से होकर गुजर रही है, जो भी किरण सी पॉइंट से होकर गुजरेगी वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, परावर्तित किरण पहली हमको मिल गई। दूसरी परावर्तित किरण देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रकाश को जो है फोकस से होकर गुजार रहे हैं, कहां से होकर, फोकस से होकर, है ना। या फिर हम ये बात करते हैं कि सपोज जो है समांतर आई, यहां से समांतर आई, यहां से प्रकाश किरण कैसे आई, समांतर आई, और आप जानते हैं जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो कहां से होकर के जाती है, फिर वो होकर के जाती है मुख्य अक्ष के फोकस से। तो ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। अब दो परावर्तित किरण कौन कौन सी है, एक तो ये वाली है और दूसरी ये वाली है, इन दोनों को बढ़ाइए, तब तक बढ़ाइए जब तक एक दूसरे को मिले नहीं। तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगी, जिस बिंदु पर ये दोनों परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करेंगी वो बिंदु होगा हमारा प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा भाई, प्रतिबिंब बनेगा इस जगह पर, ये ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, हेड इसका नीचे को रहेगा, ऐसे ऐसे हमारा प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, आया समझ में। तो आपसे क्या बोला था, सी और एफ के बीच में वस्तु रखी है, देखो ये वस्तु है जिससे सी और एफ के बीच में रखी है, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ, ए बी, तो इसका प्रतिबिंब बनाए, देखो बी इसका सर था तो बी इसका सर नीचे बनाए, ए इसका बॉटम था तो ए इसका बॉटम ऐसे उल्टा बनाए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब है वो एक तो कैसा बनाए, वास्तविक बनाए, क्योंकि दर्पण के सामने बनाए, अगर दर्पण के पीछे बनता तो आभासी होता, वास्तविक। दूसरा उल्टा है, तीसरा वस्तु से बड़ा है, यानी कि वस्तु से बड़ा होने का मतलब आवर्धित है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बना कहां पर है, बना कहां पर है, सी से परे, सी से दूर बना है प्रतिबिंब, देखो सी ये रहा, सी से दूर बना है प्रतिबिंब, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से परे, आ गई है समझ में बात, ठीक है। दूसरा केस हम लेते हैं एक उत्तल दर्पण, इन्होंने कहा एक बार अवतल दर्पण लो, एक बार उत्तल दर्पण लो, तो अब की बार क्या करते हैं, उत्तल दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण में देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक है, और इस पर पॉलिश कर देते हैं, इस पर पॉलिश जो है ऐसे पीछे की तरफ रहती है, तो ये हमने सेकंड लिया है, कॉन्वेक्स मिरर, इसका मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष को ड्रॉ करेंगे भाई, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, यहां पर होगा इसका पोल। सबसे अच्छी बात यह है कि जो उत्तल दर्पण है उसके जो सभी बिंदु होते हैं वो कहां होते हैं, दर्पण के पीछे स्थित होते हैं, तो जो इस सर्किल का सेंटर होगा, इस सर्किल का सेंटर जो होगा, सपोज दैट ये रहा, तो ये क्या होगा, इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, ठीक है, और इन P और C के ठीक बीच में जो बिंदु होगा वो क्या होगा, इसका फोकस होगा। तो आप देख रहे हैं कि दर्पण के पीछे की तरफ, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे की तरफ स्थित होते हैं उसके सभी F और C, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र। अब इसका थोड़ा
किरण आरेख देख लेते हैं। किरण आरेख में हमको इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। क्या बोला है, वस्तु को कहां पर रखा गया? क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, वस्तु को कहां पर रखा है? वस्तु को रखा है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। अब अगर मैं उत्तल दर्पण में देखूं तो ये रहा इसका फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। अगर मैं इसके बीच में वस्तु को रखता हूं तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण के पीछे हो जाएगी वस्तु, और दर्पण के पीछे तो हम कभी वस्तु को रखते नहीं है, प्रतिबिंब तो बनता नहीं है। अगर आपको अपनी शक्ल देखनी होगी तो आप दर्पण के पीछे थोड़ा ना खड़े होंगे, मिरर के सामने खड़े होंगे, है ना? तो ये वाला केस जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें। तो इसमें पॉसिबल ये हो सकता है कि आप वस्तु को यहाँ कहीं रख दो, इधर, ठीक है, दर्पण के सामने पर कहीं रख दो। यहां पर सपोज मैंने वस्तु को रख दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए केसेस देखते हैं किस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब जो है वो बन सकता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, दो परावर्तित किरणें। चलिए लेते हैं, सबसे पहले आपतित किरण लेंगे, ठीक है। तो सपोज अगर यहाँ से समांतर किरण हम डालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या होगा? यदि समांतर किरण जाती है उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात तो क्या हो जाती है, ऐसा लगता है मानो वो फोकस से होकर गुजर रही, ऐसा लगता है मानो वो फोकस से होकर गुजर रही, ये देखो, ठीक है। तो पहली परावर्तित किरण तो ये हो गई। दूसरी किरण देखते हैं, दूसरी परावर्तित किरण के लिए हम क्या लेते हैं, सपोज दैट वो कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र से। थोड़ा सा डायग्राम बनाते हुए आपको थोड़ा सा इसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी केस में मैं मानता हूं कि सपोज किरण कुछ ऐसे आ रही है, ऐसे, ऐसे आ रही है, जैसे मानो कि वो कहां पर गिर रही हो, वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा भाई, वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी जिस रास्ते वो आ रही थी, मतलब इसी रास्ते क्या होगी, वापस लौट जाएगी, ठीक है। अब देखिए भाई, ये जो दोनों किरणें हैं ये यहां तो कहीं नहीं मिलेंगे, ये बाहर की तरफ जा रही है, ये बाहर की तरफ जा रही है। देखो जरा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे इनको, अगर बढ़ाने की कोशिश करेंगे आगे, तो ये तो ऐसे जाएगी दूर और ये ऐसे जाएगी, मतलब ये यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे। हमको क्या चाहिए, प्रतिबिंब के लिए दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु देखना है, है ना? तो इधर तो कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु तो चाहिए, प्रतिबिंब तो बनेगा। तो हमने इनको अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा के देखा, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये वाली किरण ऐसे आई और ये वाली किरण ऐसे आई, मतलब कि यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं कहीं पर, ये रहा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। अब यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, कहने का मतलब है यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर उल्टा नहीं, यहां पर सुलटा प्रतिबिंब बनेगा, जैसे वस्तु रखी हुई वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। आ गया समझ? तो ये हमारे पास वस्तु है ए बी, तो ये इसका प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब की अगर बात करें, इमेज की अगर बात करें, प्रतिबिंब कैसा बना है भाई, दर्पण के पीछे बना है, पी व एफ के बीच में बना है, वस्तु से छोटा दिख रहा है, ठीक है। और कैसा है, आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते, सामने बनने वाले वास्तविक होते। और कुछ बता सकते हैं, वास्तविक होता है और सीधा भी है, और सीधा प्रतिबिंब, जैसे वस्तु रखी है वैसा ही प्रतिबिंब बना है। क्या इतने पॉइंट्स आपके समझ में आए हैं? यहां तक की बातें आई होप आपके समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इनको जो है नोट डाउन कर ले। उत्तल दर्पण के केस में हम लोग सी और एफ के बीच में नहीं रख सकते थे वस्तु को, क्यों? क्योंकि सी और एफ जो है ये दर्पण के पीछे स्थित होते हैं। तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा दूसरा केस बता दिया जिसमें कि वस्तु को जो है दर्पण के सामने रखा हुआ है, जो कि पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, ठीक है। इसका अगर आंसर देखिए हम लोग किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, देखिए, हाँ ये देखिए, तो किरण आरेख बनाया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ये लाइन देखिए, लाइन बिल्कुल कितनी क्या है, फाइन है, है ना? लाइन क्या है, फाइन है। अब यहां पर देखो, यहां पर हो क्या है, इस पॉइंट पर, यहां पर आप देख रहे हैं दो रेखाएं आपको देखने को मिल रही होंगी, ध्यान से देखिए, तो दो लाइंस आपको देखने को मिल रही होंगी, दिख रही है इस वाले पॉइंट पर, ये देखिए, एक लाइन ये ऊपर वाली है, ठीक है, और एक लाइन जो नीचे वाली है, दो लाइंस इसमें देखने को मुझे मिल रही है। ये दो लाइंस जानबूझकर बनाई गई है, क्यों? क्योंकि एक किरण जो है आ रही है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें एडिशनल जो इम्प्रूवमेंट मुझे लग रहा है, आप किरण का रास्ता नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है।
दर्पण को बनाया है उसमें पी एफ सी जरूर दिखाएं, वस्तु ए बी को जरूर दिखाएं और उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को जरूर दिखाएं। ठीक है, अगर बी आपने इसका हेड बनाया है तो यहाँ पर बी डैश इसका हेड इस प्रकार से आएगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। पूरा जो डायग्राम है वो स्केल से बनाया गया है, मेजर करके बनाया गया है, इसीलिए हमको एक्यूरेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और नीचे लास्ट में क्या लाइन लिखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी से बाहर, सी से परे, जिसको हम कहते हैं सी से परे, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये सारी कंडीशन जो है इसमें लिखी हुई, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई थी। क्या ये समझ में आए हैं केसेस? तो इस तरीके से आपको जो है बच्चों आंसर्स लिखने हैं। अभी आगे आने वाली क्लासेस में काफी सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ बोर्ड परीक्षा के। ठीक है, और यहाँ से आपको जो है हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, इंद्रधनुष के बनने की घटना जो है हमने पिछली ही कुछ क्लासों में पढ़ी है। ठीक है, किस तरीके से एक इंद्रधनुष बनता है, स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है कि एक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, विक्षेपण हमने पढ़ा है। कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है जरा बताइए, कितने बच्चों को इंद्रधनुष के बनने की घटना को समझा सकते हैं जरा हाथ खड़े करके बताएं। आज की क्लास कितने बच्चों को समझ में आई है जरा हाथ खड़े करो। चलिए, कितने बच्चे आज जो है फर्स्ट टाइम क्लास में बैठ रहे हैं एक बार बता दीजिए, जो आज पहली बार साइंस की क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। तो हम लोग इससे पहले जो है काफी कुछ बातें कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है तो वो आप बताएं। क्लास में अगर आप बैठे हैं आधे घंटे तो आप ये मान के चलिए, ऐसी कोशिश कीजिए कि आधे घंटे आप कुछ ना कुछ सीखें। मैं बोर्ड परीक्षा के आपके क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं और यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन हम लोग इस टाइम पर करेंगे, आगे आने वाले टाइम में जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे ये क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं वहां पर। तो क्लास में जो चीजें बताई जा रही हैं उसमें इंटरेस्ट लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो वो भी आप बताइए। ठीक है, एटलीस्ट आपका जो ये 30-40 मिनट्स है इसको प्रोडक्टिव बनाइए, कुछ सीखने पर जोर दीजिए। अगर आप चाहते हैं क्लास में कोई दूसरी चीज बताई जाए, कोई ऐसा टॉपिक बताया जाए जो आपके स्कूल में नहीं हुआ है, जिसमें आपको समस्या आती है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है, जिसमें आपको डाउट रहता है, वो चीज पूछिए। बट चुपचाप मत बैठे रहिए क्लास में, कुछ ना कुछ सीख करके यहाँ से जरूर जाइए। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा और उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।